गुड मॉर्निंग, वेलकम टू ऐशम्बिया व्लॉग्स। अभी बज रहे हैं 7:15 और मैं बहुत लेट उठी हूँ। आज मौसम ही ऐसा था ठंडा ठंडा, तो उठा ही नहीं गया। और दूसरी चीज़ की पता नहीं, कल शायद थक गए थे ज़्यादा, तो उठे भी बहुत लेट है, उसी वजह से थके हुए थे। तो उस वजह से भी कई बार नींद ज़्यादा अच्छी आती है ना। तो जब उठे हैं तो उठकर देख रहे हैं बाहर बहुत ज़्यादा धुंध है, कोहरा है। मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैं इतनी लेट हो गई हूँ कि आज मैं कुछ नहीं कर पाई। आज तो मम्मी ने मेरे बर्ड्स को खाना दिया है और शटर भी दुकान का अभी जस्ट खोला है। रुकिए ज़रा, मैं आपको बाहर का नज़ारा दिखाती हूँ। शॉप खोली है हमने, तो ये मैं अंदर वाली साइड से आ रही हूँ, बाहर नहीं जा रही। देखिए ज़रा, ये हमारे शॉप का जो टीवी स्क्रीन कह सकते हैं, यहाँ से बैठे हुए हम पूरा जो है मौसम का लुत्फ ले सकते हैं। मैं आपको बाहर से जाके दिखाती हूँ। दुकान अभी बिखरा बिखरा है, सुबह सेट नहीं किया। क्या बात, धुंध दूर तक, धुंध दूर तक। जरा गौर फरमाइए, देखिए 3 दिन की बारिश और ये ह्यूमिडिटी का हाल है। देखिए उधर खेत है, ये जो सामने स्क्रीन दिखा रही हूँ ना मैं आपको, खंभों के पीछे उधर खेत है, सामने कॉलोनी, कॉलोनी के पीछे खेत है। एक्चुअली ये जो सामने की कॉलोनी थी ये भी कभी खेत ही थी, बहुत गहरी गहरे खड्डे में खेत था ये। इसको बहुत महीने तक भर कर इन्होंने कॉलोनी तैयार की, जिन्होंने भी ये जगह खरीदी। और इस एरिया में सबसे पहले हमारा ही घर था, और तब उस टाइम पे कोई घर नहीं हुआ करता था। ये वो सामने ठेका है जहाँ पे मैं अभी दिखा रही हूँ आपको। तो ये हाल है आज का। मैं आ गई हूँ छत पर और आपको छत से नज़ारा दिखा रही हूँ सब तरफ का। ये देखिए, कल मैंने आपको दिखाया था हिबिस्कस और आज देखिए बेचारा अभी बंद हो गया, क्या पता बाद में खिल जाए। चलिए फिर, ज़्यादा लेट ना करते हुए मैं फटाफट भागूँ क्योंकि स्कूल के लिए रेडी होना है। ये है पर्पल हार्ट, पर्पल हार्ट का फ्लावर ऐसा होता है। मुझे लगा था इस प्लांट में कभी फूल ही नहीं आते, पर होते हैं। लाइट गई हुई है तो मैंने सोचा जब तक लाइट का इंतज़ार कर रही हूँ तब तक आपसे दो बातें कर लेती हूँ और आपको कुछ दिखा देती हूँ। अभी तो फिलहाल बन रही है चाय, क्योंकि लाइट आएगी तो पानी गर्म होगा, पानी गर्म होगा तो फिर मैं नहाने को जाऊँगी क्योंकि मैं एलर्जिक हूँ ठंडे वेदर में, मुझे सेट नहीं रहता ठंडा पानी। और यहाँ बन रही है हमारी चाय। मैं पहुँच चुकी हूँ किचन में, वेट। मैं एज़ यूजल सब्ज़ी काटते हुए, कल रात को हमने कटिंग करके नहीं रखी थी सब्ज़ी की। और यहाँ है चाय, हमारा फ्यूल, हम नॉर्थ इंडियंस का फ्यूल है। जैसे पेट्रोल के बिना गाड़ी नहीं चलती तो हमारा शरीर भी चाय के बिना नहीं चलता। तो ये फ्यूल हमारा रेडी हो रहा है, तो मैं आपको वापस ले चलती हूँ रूम में और दिखाती हूँ मैं आपको कुछ। ये एक दुपट्टा था, बहुत बड़ा दुपट्टा, जिसको मैंने सिर्फ कुछ नहीं किया, गर्दन को मैंने कट करके काफ्तान बनाया, साइडों से जस्ट यहाँ पे सिलाई लगाई, यहाँ और यहाँ। तो ये काफ्तान है और इस पर ये लैस लगाई है, ऐसा रिबन लगाया है, रिबन ब्लू कलर का, दोनों पूरे साइड्स में चारों तरफ। और ये एम्ब्रॉयडरी मैंने की है, ये एम्ब्रॉयडरी भी सारी मैंने ही की है। इसका बैक साइड दिखाती हूँ। वेस्ट बंगाल में दुपट्टे ऐसे बहुत बड़े बड़े साइज़ के मिलते हैं सूट्स के साथ, रेडीमेड सूट के साथ। तो काफ़ी टाइम से दुपट्टा पड़ा हुआ था, ये ऐसा, ये डिज़ाइन इतना है बैक साइड का।
ये नहीं, ये तो फ्रंट साइड का दिख रहा है ना, तो एम्ब्रॉयडरी का मुझे बहुत शौक है, मैं करती हूँ एम्ब्रॉयडरी बहुत शौक से और मतलब मज़े से। ये मैंने खुद तैयार किया था अपना ये सूट, काफ्तान सूट, आज यही पहनना है। तो लाइट के इंतज़ार में, कोई लाइट आए तो पानी गर्म करूँ, नहीं तो अगर मैं ठंडे पानी से नहा लूँगी ना तो छींके सारा दिन आते रहेंगे और ज़ुकाम रहेगा। वैसे छींके तो आ चुकी थी सुबह से और अभी जुकाम भी काफ़ी हो चुका है मुझे। देखिए दूसरा दुपट्टा है ब्लू कलर का, स्काई ब्लू कलर का, जिस पर ऑलरेडी एम्ब्रॉयडरी थी। एम्ब्रॉयडर्ड दुपट्टा था, मैंने सिर्फ बीड्स लगाए हैं ये वाले, ये वाइट एंड रेड कलर के बीड्स लगे हुए हैं इस पर, और किनारियों पर भी बीड्स हैं। तो ये घर पे ही स्टिच किया हुआ है काफ्तान सूट, आप भी किसी भी दुपट्टे से आराम से बना सकते हैं घर पर ही। हेलो एवरीवन, मैं आ चुकी हूँ स्कूल से वापस और लंच हो चुका है। अब मैं दिखाती हूँ आज हम क्या करने वाले हैं। ये है सोफा कम बेड, ये लेके आए हैं, अभी ये खोल के भी दिखाएंगे आपको। तो ये लेके आए हैं हम, बेसिकली मैं ये लेके आई हूँ बच्चों के लिए, ट्यूशन के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि बाहर बरामदे में बच्चे बैठते थे, बाहर वाले बरामदे में, तो वहाँ जगह बहुत कम पड़ती थी, चेयर के करके चेयर लगाना पड़ता है ना, तो फिर प्रॉब्लम होती है, जगह घिर जाती है, तो जगह भी वहाँ पे इतनी नहीं है, क्योंकि पापा जब से हॉस्पिटल से आए हैं वो बाहर ही लेटते हैं, बाहर वाले बरामदे में, वो अंदर जाते ही नहीं अपने रूम में। तो ये लाया गया है सोफ़ा इसलिए क्योंकि वहाँ बाहर मंजी, पापा के लिए एक मंजी बिछा रखी है, क्योंकि वो मंजी पर सोना ज़्यादा पसंद करते हैं बेड से, तो मंजी की वजह से और चेयर्स की वजह से जगह बहुत घिर जाती है, इसलिए लाए हैं ये सोफ़ा कम बेड। अभी हम इसको खोलेंगे, जब इसको सेट करूँगी तो मैं आपको दिखाऊँगी। तो ये बच्चों के लिए सोफ़ा मैं अंदर लगा रही हूँ इसीलिए, तो मैंने इसीलिए जगह भी खाली करके रखी थी कल, जो हम रूम सेट कर रहे थे, सफाई कर रहे थे, ये उसी के लिए था, क्योंकि आज सोफ़ा आना था, सोफ़ा कम बेड, तो उसके लिए जगह बनानी ज़रूरी थी, इसीलिए कल दिन भर लगकर सफाई की गई थी इस रूम की और जगह खाली की गई थी। तो ये जगह जो है रूम के साथ ही, तो डोर के साथ यहाँ जगह पर रखा जाएगा सोफ़ा को, सोफ़ा कम बेड को, और फिर जब हम इसको सेट करेंगे तो दिखाऊंगी मैं आपको। और ये हैं न्यू कर्टन्स, मेरे रूम के कर्टन्स लाने वाले थे, तो ये कॉफ़ी कलर के कर्टन्स मम्मा लेके आए हैं, आज लगाएंगे इनको, आज तो नहीं लगाएंगे, शायद लगाएंगे शायद नहीं लगाएंगे, इसका रॉड नहीं मिल पाया, तो देखते हैं रॉड या कुछ भी मिल जाए इसको सेट करने के लिए, बिकॉज़ ज़रूरी है। तो चलिए फिर जब सेट हो जाएगा सोफ़ा कम बेड तो मैं आपको दिखाऊंगी। सोफ़ा रेडी हो चुका है, ये हमने थोड़ी देर पहले अभी बिछाया भी था एज एन बेड, ये यहाँ पे बच्चों के पढ़ने के लिए रखा है, जब बच्चे और ज़्यादा आएंगे, मतलब आने वाले हैं कुछ और बच्चे ऐड होने वाले ट्यूशन में, तो तब मैं सोफ़ा को बेड की तरह इस्तेमाल करूँगी, पूरा बिछा दूँगी यहाँ पे। इस बेड पर दो इंसान आराम से सो सकते हैं, जब इसको पूरा खोल कर बेड बना दिया जाए तो सामने मैंने टेम्पररी एक टेबल रख दिया है। ये काथा वर्क है, ये हमारे बंगाल में ना साड़ियों से, पुरानी ओल्ड साड़ियों से बनाया जाता है, तो ये काथा वाला मैंने कवर अभी रख दिया क्योंकि इसका टेबल मैट लाना रहता है अभी। तो हाँ मैं आपको ये दिखाऊंगी बेड भी बनाकर अभी, वेट, बड़े आराम से कंफर्टेबल है बेड ये, सॉरी बेड कम सोफ़ा, और रीज़नेबल प्राइस पर है अवेलेबल। ये जो काथा है मैं आपको बता रही थी, ये बेसिकली जो पुराने साड़ी होते हैं ना घर में बच्चे जाते हैं, पुराने मतलब कि थोड़ा यूज़ करके आप बोर हो गए हो, तो उन साड़ियों को हम लोग क्या करते हैं कि साड़ियों के बीच में नॉर्मल कोई कॉटन के कपड़े, कोई भी कॉटन के कपड़े डाले जाते हैं बिछा कर, उसके बाद साड़ी को ऊपर से कवर कर दिया जाता है, इसी साड़ी का ही एक हिस्से को बिछा दिया जाता है, उसके ऊपर जो कपड़े होते हैं एक्स्ट्रा कपड़े कॉटन के, कोई भी पुराने सूट कोई भी कुछ भी, उसको अच्छे से खोल कर उसके धागे वागे निकाल कर सिलाइयाँ खोल कर इसके अंदर बिछाया जाता है, मतलब एक परत पहले साड़ी की होती है, इसी साड़ी की उसके ऊपर कपड़ों की परत, उसके ऊपर इसी साड़ी का दूसरा किनारा पूरा भर दिया जाता है, मतलब भरा मतलब कि ढक दिया जाता है इसी का हिस्सा, क्योंकि ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ दोनों साइड से
सीधा है, इससे भी इस साइड से भी इस साइड से, मतलब डबल साइडेड है, डबल साइडेड आप ओढ़ सकते हो उसको, बिछा सकते हो। तो ये पुरानी साड़ियाँ मम्मा घर में यूज़ किया करते थे पहले, मम्मा जब पहनते थे साड़ियाँ। तो ये जो स्टिच देख रहे हो ना आप, ये वाला, इसको काथा स्टिच बोलते हैं। सीधा 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 जो सिलाई जा रही है इसको काथा स्टिच बोला जाता है। तो ये हमारे यहाँ पे बंगाल का एक बहुत पुराना ट्रेडिशनल क्राफ्ट वर्क है, जो कि मैं अगर आपको बताऊँ कि बहुत पुराने ज़माने से, बहुत ही ज़्यादा पुराने ज़माने से चला आ रहा है। और ये काथा मोटे से मोटा भी बनाया जा सकता है, कंबल जितना मोटा, और पतले से पतला भी बनाया जा सकता है। यहाँ तक कि गांव घरों में, गांव में जो लोग होते हैं, जैसे जो जिनके घर में छोटे बेबीज़ हैं, वहाँ छोटे छोटे काथा बनाए जाते हैं बच्चों के साइज़ के, क्योंकि वो सुसु वगैरह करते रहते हैं। तो क्या होता है कि काथा बिछा कर उसके नीचे प्लास्टिक डाल दिया जाता है, बेड के ऊपर प्लास्टिक बिछा कर उसके ऊपर छोटा सा काथा बिछा दिया जाता है, उसके ऊपर बच्चे को लिटा देते हैं। फिर इससे काथा जो होता है, पतले पतले काथे जो बनाए जाते हैं, उसको धोना आसान हो जाता है अगर बच्चा सुसु कर देता है बेड पर। तो बेसिकली ये हमारे बंगाल की धरोहर है। ये बहुत पहले मम्मा और मैं बनाया करते थे, जब मैं स्कूल टाइम में पढ़ती थी ना, तो जून के टाइम पे मम्मा जून की छुट्टियों में बनाया करते थे कभी कभार, जब मैं हम लोग घर नहीं जाते थे बंगाल। तो तब से मम्मा के साथ बैठकर मैंने ये काथा बनाना सीखा है और मुझे बहुत पसंद है बनाना। अब तो मम्मा साड़ी नहीं पहनते, फिर भी मैं देखूँगी मेरी साड़ियाँ जो पड़ी हैं उसमें से अगर कभी कोई काथा बनाया तो मैं उसको ज़रूर रिकॉर्ड करके आपको दिखाऊँगी। देखिए इसको पूरा बिछा दिया गया है यहाँ पर, ये इसीलिए ये जगह सारी कल खाली की गई थी, इतनी सफाई की गई थी कि यहाँ से पहले उधर का हमारा खानदानी ट्रंक जो इधर पड़ा हुआ है ना, वो यहाँ रखा हुआ था। अब मैं आपको खानदानी ट्रंक के ऊपर का हाल नहीं दिखाऊंगी, बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड किताबों को भर रखा, नहीं दिखा देती हूँ। किताबें हैं हमारे तो वो उधर साइड पर कर दिए और ये जगह खाली कर दी है। तो यहाँ पर ये पूरा कोई सो सकता है आराम से, दो इंसान आराम से, इतना काफ़ी इसका चौड़ाई जो है काफ़ी ज़्यादा है विड्थ इसका, तो आराम से दो इंसान तो आराम से सो सकते हैं। मम्मू वो फोल्ड करना उधर वाला, तो दिखाती हूँ मैं आपको। चाहे तो इसको आप थोड़ा इसको साथ में अटैच कर सकते हैं या ऐसे रख सकते हैं, अगर छोटी रखनी है आपने इसकी हाइट। देखिए तकिया की तरह भी काम करता है, वैसे तो तकिया तो नहीं कह सकते, पर वैसे एज अ बेस टाइप डिज़ाइन ढो टाइप कह सकते हैं। अगर आप इसको दीवार के साथ अटैच करके रख देंगे तो मम्मा कहते हैं इसको ढो बोलते हैं, ढो यस ये ढो होता है। तो ये ढो उसको अटैच कर दे तो आराम से इसको आप जैसे मर्जी इसके ऊपर बैठ के बैठ सकते हैं। हेलो एवरीवन, मैं आ चुकी हूँ अपनी शॉप पर, शाम के 7 बज चुके हैं। एज़ यूजुअल 7 बजे के बाद दुकान पर हूँ और मम्मा सामान दे रहे हैं कस्टमर्स को। और अब मैं दुकान के लिए कागज़ के लिफाफे बनाऊँगी जो हम बनाते रहते हैं, बिकॉज ख़त्म हो गए दुकान पर अभी लिफाफे। अब इस पुराने पेपर से मैं लिफाफे बनाऊंगी, तो मैं आपको आगे दिखाती हूँ। वेट, ये अखबार के पीसेस को मैंने अब ऐसे कटिंग करके रख लिया है, अब इनके बनेंगे लिफाफे। इसको ऐसे फोल्ड करना पड़ता है, सबको पता ही होगा, सब खरीदते ही हैं, मतलब खरीदते नहीं, मतलब सामान तो खरीदते उसमें मिलता ही है। जैसे इसको हाफ फोल्ड करके देन ये मैंने फेविकॉल लगा के रखा है, क्योंकि खुद ही मुझे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। रीज़न ये है कि मम्मा जब टच करते हैं ना मोबाइल को, टच स्क्रीन मोबाइल्स को, तो मम्मा का टच मोबाइल लेता ही नहीं है, वर्क ही नहीं करता। तो वैसे अभी मम्मा के पास तो जियो मोबाइल है, उनको अभी रिकॉर्डिंग्स वगैरह सीखने में थोड़ा टाइम तो लगेगा, सीख रहे हैं, सीख जाएंगे जल्दी, क्योंकि मेरे को एक हाथ से बनाना पड़ेगा, इसलिए मैंने फेविकॉल पहले से लगा के रखा है। अब इसको हमें यहाँ से फोल्ड करना होता है, यहाँ से और यहाँ से, दोनों साइड से बराबर बराबर। एक मिनट ज़रा मैं सेट कर लूँ पहले। अब ये सेट हो गया है दोनों साइड बराबर बराबर, इसको दूसरी साइड भी मैं फ़ोल्ड कर लेती हूँ। वैसे तो करने की ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी इससे होता ये है कि मेरा जो है लिफाफा इजीली बन जाता है। एक हाथ से काम करना बहुत मुश्किल है भाई, ऐसे देखिए। अब इसको वापस से निकाल के अब इसको अंतर वाली साइड डाल देना है, बिल्कुल ऐसे। अब इसको ऐसे बना लिया, अब इसको मैं बनाती हूँ ऐसे। पहले मुझे बनाना नहीं आता था ये पेपर का बनाना, लिफाफा बनाना नहीं आता था मुझे, ये मैंने फिर सीखा। लिफाफा एक दो खरीद के लाई, उसको फिर खोल कर देखा, पर हम लोग दुकान के लिए बनाया नहीं करते थे, हम ख़रीदा करते थे। बट प्रॉब्लम ये हुई कि
कि जो लड़का हमें ये लिफाफे दे के जाया करता था ना, उस बेचारे की डेथ हो गई ऑल ऑफ सडन। तो इस एरिया में अब कोई लिफाफे दे कर नहीं जाता। मम्मा मार्केट जाते तो वहाँ से खरीद कर लेकर आते हैं। जब कभी ना ला पाए या बाई चांस भूल जाए या कोई और किसी वजह से नहीं ले पा लेकर आ पाते, तो फिर क्या होता है कि हम घर में बना लेते हैं। अब इसको ऐसे किया जाएगा, यहाँ से फेविकॉल लगेगा, इस साइड से भी लगेगा, फिर ये कंप्लीट तैयार हो जाएगा। मैंने दो चार बना के रखे हैं क्योंकि कस्टमर आ रहे हैं ना अभी, तो सामान देना तो है ही। ये मैंने बना कर रखे हैं साफ सुथरे से, बिल्कुल क्लीन पेपर, ये लिफाफे पेस्ट करके रखे हुए मैंने। अब इसको चाहे जैसे मर्जी कर लो, ऐसे इसमें सामान डालो जितना मर्जी। तो अलग अलग साइज़ के अभी मुझे बनाने हैं, ये छोटे बड़े साइज़ के। खुलेगा नीचे से, खुल जाएगा ये आराम से, हो गया रेडी। नहीं फिर उधर को घूम गया एक मिनट। तो यही मेरा मोस्टली रूटीन रहता है। मम्मा 3 दिन से मार्केट नहीं जा पाए थे, तो कल गए भी थे तो भाग दौड़ करके जो गए जल्दी में, जल्दी आ गए थे, बारिश हो रही थी इसलिए लिफाफा फिर भूल गए लाना। अब सारे लिफाफे ख़त्म हो गए, कस्टमर को देने के लिए कुछ है नहीं, उसमें सामान डालने के लिए कोई भी एक भी लिफाफा नहीं बचा, इसीलिए मुझे जल्दी जल्दी बनाना पड़ रहा है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि ये लिफाफा बनाना भी समवेयर हमारी रूटीन का एक पार्ट बन गया। जब से वो लड़के की डेथ हो गई जो हमें लिफाफा पहले सप्लाई करता था, तो तब से अब क्या करती हैं कि जब टाइम हमारे पास बचता है दुकान में थोड़ा बहुत, तो समटाइम हम बना लेते लिफाफा, नहीं तो अगर बाज़ार से लाए हो तो बेफिक्र रहते हैं, और जब भूल जाए तो फिर बस जल्दी में बनाने पड़ते हैं सारे लिफाफे। जैसे अब मुझे बनाने पड़ेंगे अलग अलग साइज़ के, क्योंकि सारे ख़त्म हो चुके हैं लिफाफे सारे। तो चलिए फिर आज का ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ, तो फिर हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड थैंक यू फॉर कमिंग ऑन माई चैनल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, एंड सभी हेल्दी रहें, खुश रहें और खुशियाँ बांटते रहें सबकी लाइफ में, क्योंकि दुख सबकी लाइफ में है जो हमें दिखता नहीं है, पर सबकी लाइफ में कहीं ना कहीं कोई ना कोई दुखी है, किसी ना किसी वजह से परेशान है। तो हमें चाहिए कि हम दूसरों की लाइफ में जितना खुशियां बांट सके, दैट इज़ वेल एंड गुड। तो फिर चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में।